नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पार्वती कुमारी ब्लॉग पर। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी स्वस्थ हूँ। सो फ्रेंड्स, घर में बैठे बैठे बोर लग रहा था और बहुत ही दिन से प्राकृतिक दृश्य नहीं देखे थे, और ऐसे गाँव में थे तो जंगल पहाड़ जाते थे घूमने के लिए, बहुत ही मजा आता था। लेकिन अभी बहुत दिन से गए नहीं है। सो आज देखिए, हम लोग जंगल आए हैं घूमने के लिए और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। सो आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत है जंगल यहाँ का। ये देखिए पूरा हरा भरा। अभी गर्मियों का दिन है, अभी पतझड़ का समय है, और देखिए पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं ये देखिए। और जंगल का निम्नीकरण भी हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं नया नया पेड़ लगाया गया है। ये देखिए, ये है आकाशी का पेड़, इसको हम लोग आकाशी कहते हैं। मेरे गाँव का पहाड़ में ये पेड़ बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। और ये देखिए, ये आकाशी का पेड़ यहाँ लगाया गया है, ये जंगली पेड़ है। और अभी देखिए, क्योंकि पतझड़ का समय है तो पत्ता उत्ता झड़ रहे हैं, और देखिए पेड़ में नए नए पत्ते आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं पूरा हरा भरा दिख रहा है और बहुत ही सुंदर। देखिए फ्रेंड, हम आए हैं जंगल घूमने के लिए, बक्सी टिपा लोहरदगा का जंगल, क्योंकि घर में बैठे बैठे बोर लग रहा था इसलिए घूमने के लिए आ गए। और आप लोग देख सकते हैं अचानक बारिश हो रहा है, ये देखिए पूरा बारिश हो रहा। दौड़ते दौड़ते थक गए क्योंकि हम लोग बहुत आगे चल गए थे। और ये देखिए, हम एक पेड़ के नीचे बच रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माटा है, देखिए खतरनाक वाला माटा। अगर ये काट दिया ना तो बहुत जलन होता है, बहुत लहरता है। ये देखिए माटा, बैक साइड से दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यही है माटा। ये देखिए, ये माटा है, ये चींटी का ही प्रकार है जो जंगल में पाया जाता है, जंगल के पेड़ पौधा में। और ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, देखिए ऊपर चढ़ रहा है धीरे धीरे। बारिश हुई थी हल्का, और बारिश होने के बाद देखिए मौसम कितना सुहाना कर दिया है। और यहाँ आने के बाद, जंगल आने के बाद इतना खुशी लग रहा है कि हम आप लोगों को बता नहीं सकते, क्योंकि पापा के साथ हम यहाँ घूमने के लिए आते थे। जब हम छोटा थे तो पापा हमको घुमाते थे यहाँ, बरसात के दिनों में हम लोग खुखरी और रुगड़ा चुनने यहाँ आते थे, क्योंकि हम लोग पास में ही यहाँ पर रहते थे इसलिए। और अभी बहुत दिन के बाद आए हैं ये जंगल, देखिए बहुत ही खुश लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना हरा भरा है, चारों ओर पेड़ ही पेड़ नजर आ रहा है, और पत्ते उत्ते झड़ गए हैं, नया पत्ता आ गया है, इतना मस्त लग रहा है। पूरा ठंडा ठंडा हवा, चारों ओर एकदम शांति है, और शुद्ध वायु के साथ एकदम बहुत ही मजा आ रहा है जंगल में घूमने में। वाकई में मन ही नहीं कर रहा है कि यहाँ से घर जाए, बहुत अच्छा। और देखिए, बारिश होने के बाद इतना अच्छा मौसम हो गया है कि क्या बताएं आप लोग को, बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए, सरे का फूल भी आ गया है, ये देखिए पत्ता में। कल था हम लोग का झारखंड का सबसे बड़ा त्योहार, सरहुल महापर्व था झारखंड का। और सरहुल महापर्व में जो ये है ना आपका, ये देखिए सखुआ का पेड़, ये है सखुआ का पेड़, और इसी में नए नए पत्ते आए हैं और फूल आए हैं, जिसका हम लोग पूजा करते हैं। झारखंड के आदिवासी लोग जितने भी है सब सरे फूल बोलते हैं, इसका सखुआ का जो फूल आता है उसको सरे फूल बोलते हैं, और इसका फर आता है उसको सरे का फर बोलते हैं। अभी फर नहीं आया है, 3 महीना में तैयार हो जाएगा इसका फर, क्योंकि अभी फूल बस आया है जिसका पूजा करते हैं। और लोग सरहुल में इसका फूल को जुड़ा में लगाते हैं, और बहुत ही सुंदर लगता है इसका फूल। आप लोग देख सकते हैं ऊपर में कितना ज्यादा फूल आया हुआ है, और बहुत ही सुंदर दिख रहा है, देखिए पूरा व्हाइट व्हाइट, बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं, ये है झाड़ू, झाड़ू का ये पौधा है, ये देखिए झाड़ू, क्योंकि अभी गर्मियों का दिन है इसीलिए इसका सूख गया है, और बरसात में पूरा एकदम हरा भरा हो जाता है और बहुत ही सुंदर। और सितंबर अक्टूबर में तैयार हो जाता है झाड़ू का पौधा, और कर्मा जिसे कटाता है, वैसे कर्मा कटाने के बाद लोग झाड़ू चुनने के लिए आते हैं जंगल, और यहाँ से झाड़ू काट के ले जाते हैं और झाड़ू बनाते हैं। ये देखिए आप लोग को दिखाते हैं इसका डंटी, आप लोग देख सकते हैं, ये है झाड़ू, झाड़ू का पौधा है, ये जंगल में पाया जाता है, बक्सी टिपा जंगल में भी है, मेरे गांव का भी जंगल में है, और रांची साइड भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये होता है। ये देखिए फ्रेंड, ये है झाड़ू का आपका खेरका, इसको बोलते हैं खेरका, ये है झाड़ू बढ़नी, जिसको हम लोग झारखंडी क्षेत्र में बढ़नी बोलते हैं झाड़ू को। और एक पक्का घर बारने के लिए होता है फूल वाला,
वो भी पाया जाता है जंगल में ही, लेकिन ये जंगल में नहीं है, दूसरा जंगल में वो मिलता है। और देखिए उधर लोग लकड़ी लेके आ रहे हैं, देखिए देखिए लोग लकड़ी ले जा रहे हैं, वो देखिए थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा नज़ारा है जंगल का गर्मियों के दिन में। ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो आप लोग जंगल आ जाइए घूमने के लिए, अगर पास में है तो आपको बिल्कुल गर्मी का एहसास नहीं होगा। पूरा ठंडा ठंडा यहाँ का मौसम रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है। और फ्रेंड ये है जो सखुआ का पेड़ आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए ये है सखुआ का पेड़, देखिए ये सखुआ का पेड़ है। और ये पेड़ पाया जाता है आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, सखुआ का पेड़ पाया जाता है। ये सभी क्षेत्र में नहीं होता है, जैसे हम लोग का झारखंड राज्य जो है ये शुष्क क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण शुष्क कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे हो गया झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आपका त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये सब आप लोग का आता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ये सब क्षेत्र में आप लोग को सखुआ का पेड़ देखने के लिए मिलेगा, ये सब जगह नहीं मिलता है। और ये जो सखुआ का पेड़ है दोस्तों, ये बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही मजबूत होता है। ये लोहा इसको आप जितना दिन तक रखिएगा उतना ही मजबूत होता है इसका लकड़ी, क्योंकि पहले जब सबसे फर्स्ट में जब 1819 में जब भारत में रेल लाइन का जब आविष्कार हुआ था रेलगाड़ी का, तो ये लकड़ी का ही उस टाइम ये बनाया जाता था आपका रेल लाइन बनाया जाता था, क्योंकि उस टाइम हम लोग के पास उतना ज्यादा कारखाना नहीं था, लोहा हुआ का साधन नहीं था, तो लकड़ी से ही बनाया जाता था पटरी। और हम लोग का जो पुराना लोहरदगा स्टेशन है वो लकड़ी का ही था, और जो अभी नया बना है वो आपका लोहा का बना है, लोहा सीमेंट और गिट्टी का बना है। सो पहले सबसे पहले लकड़ी का ही बनाया जाता था, इसलिए इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही मजबूत होता है। और क्योंकि जो ये पेड़ है सखुआ का, ये सब जगह पाया नहीं जाता है, इसीलिए इसका महत्व बहुत ही अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं एकदम लंबा लंबा है, और कितना अच्छा एकदम सुरेला सुरेला है, आप लोग देखिए लंबा लंबा एकदम ऊपर कोर जाता है। ज्यादा इसका डाली होता है, लेकिन और पेड़ पौधा की तरह इसका डाली बिखरा हुआ नहीं रहता है, पूरा एकदम लंबा लंबा जाता है। और बहुत ही अच्छा इसका लकड़ी तैयार होता है, जो कि बड़ा बड़ा काम में क्या बोलेंगे कार्य में काम आता है इसका लकड़ी, जलावन में भी काम आता है, लेकिन इसका अधिकांश फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज करते हैं सखुआ का लकड़ी का। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तो बकरियां भी चर रही है जंगल में, घंटी लगा हुआ है, हम तो सोच रहे क्या आ रहा है भाई। सो फ्रेंड मैं आपको जंगल का दृश्य बैक साइड से दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग देख सकते हैं प्लास का फूल कितना सुंदर लग रहा है, और इसको हम चुन के इकट्ठा किए हैं आप लोग को दिखाने के लिए। सो आप लोग देख सकते हैं ये है झारखंड का राष्ट्रीय फूल प्लास का फूल, और ये देखिए ये है सरई, भैया लादी मार की सरई, सरई का फूल जिसका पूजा होता है झारखंड में, बहुत ही धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है झारखंड में सरहुल, झारखंड का महा त्योहार महापर्व सरहुल, जिसमें ये जो है ना ये फूल सरई का फूल इसका पूजा किया जाता है, सब लोग जुड़ा में डालते हैं ऐसे। सो फ्रेंड देखिए, आज हम प्रकृतिक के फल फूल से देखिए तैयार हुए हैं, ये है प्लास का फूल और सरई का फूल अपने चूल पे लगाए हैं, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कैसे लग रहे हैं हम। सो फ्रेंड देखिए कितना अच्छा लग रहा है नजारा जंगल का चारों ओर का। इधर देखिए फ्रेंड, प्लास का फूल तोड़ने की तैयारी हो रहा है, कुछ चढ़ नहीं पा रहा है पेड़ में। आराम से, पता चला फूल तोड़ने के चक्कर में। देखिए अब लटक गया है पेड़ में। देख रहे हैं इसको, कहाँ फूल तो है ये नहीं है वहाँ पर जहाँ अमरख है खड़ा, उधर जा रहा है उधर। हाँ तुम्हारा इसी तरफ वो साइड में भी है, हाँ हाँ उसी को तोड़ ले, बस हो गया, टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया, नहीं गिराना टूट जाएगा फूल।
ये देखिए फ्रेंड, फाइनली हम तोड़वा ही लिए फूल। हमको बहुत अच्छा लगता है प्लाज का फूल। देखिए इस तरह से रहता है, सारा पत्ता झड़ जाता है और इसमें खाली फ्लावर ही रहता है और पूरा एकदम रेड दिखाई देता है। इस टाइप में लगता है, दूर से देखने से लगता है कि आग लग गया है पेड़ में, पूरा आग जल रहा है। इस टाइप में आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर है। आदि मानो सब यही सब प्राकृतिक फूल फल को यूज करके अपना श्रृंगार बनाते थे, तैयार होते थे। और देखिए अपना संस्कृति कार्यक्रम में आज का डेट में भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। झारखंडी जो पर्व त्योहार है उसमें आप लोग देखिएगा इसी तरह का लोग सस्ते हैं, प्राकृतिक जो संसाधन है उसी को अपना यूज में प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सो फ्रेंड्स, हम लोग बहुत इंजॉय किए जंगल में और बहुत ही मजा लगा और हम लोग घूम फिर लिए हैं और अभी जा रहे हैं घर की ओर। और आज का वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दे। सो फ्रेंड, मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।